जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NS दांगी ब्लॉग्स में। तो आज हम जा रहे हैं मैसूर से चेन्नई, यहाँ की मरीन बीच आपको दिखाए जाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ हैं सत्येंद्र पाजी, मिथुन दा और ये हैं विशाल पाजी। हम लोग आज मरीना बीच की तरफ जा रहे हैं, कल सुबह उतरेंगे वहाँ और फिर वहाँ का जो भी दृश्य होगा तो आप लोग के सामने रखा जाएगा। देखिए कितना अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा वॉशिंग प्लांट का। हालांकि इस पर आपको एक स्पेशल वीडियो मिलेगा कि कैसे ये काम करता है, इसका फंक्शन क्या है। लेकिन तो इस समय हम आ पहुंचे हैं बेंगलोर के KSR जंक्शन पर, जो कि 11:45 पर ट्रेन ने यहाँ पर हमको छोड़ दिया है, जिसके बाद ये 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद आगे बढ़ेगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो सुबह के 7 बज चुके हैं। मैसूर से चेन्नई आने में हमको टोटल 10 घंटे लगे हैं। अब ये चेन्नई सेंट्रल रेलवे का स्टेशन है। हाय दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं चेन्नई रेलवे स्टेशन के। यहीं से आपको टैक्सी ऑटो की व्यवस्था मिल जाएगी या फिर आप बस से भी मरीन बीच के लिए निकल सकते हैं। यहां पर नॉर्मली ऑटो का प्राइस 200 से 250 रुपये मांगता है, लेकिन आपको 100 और 120 में वो आसानी से मरीना बीच के सेंट्रल में छोड़ सकता है। यह है मरीना बीच का स्टार्टिंग पॉइंट। सूरज की रोशनी अपोजिट होने के कारण सही से दिखाई नहीं देगा, पर बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। टाइम सभी लोग नाश्ता चाय करते हुए, आंटी जी का शॉप है, बहुत ही अच्छा चाय तो नहीं बनाया है। सुबह के नाश्ते में है चेन्नई स्पेशल मसाला डोसा, नारियल का चटनी और सांभर, बहुत ही टेस्टी है। रेत के रेगिस्तान में उतर चुके हैं। यहाँ से थोड़ा से दूर पर बीच है, बीच के लिए ये सभी तैयार हो चुके हैं। हम संभालते हुए देख रहे हैं, ये रेत ही रेत है। बहुत ही लंबा बीच है, 13 किलोमीटर लंबा, इंडिया का सबसे लंबा बीच है मरीना बीच। आज मरीना बीच में हम लोग सभी 2 से 4-5 लोग आए हैं और बेहद अच्छा फीलिंग हो रहा है। ये देखिए
जो आप पानी का जो रफ्तार आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत क्या सुहावना पल है भाइयों। आई रियली मिस्ड बिफोर थ्री इयर्स। ये देखिए, ओ हो, ये देखिए, ये मजा, ये मजा, ये मजा जो आप लाइए। ये कितना रिस्क लेके ये लोग, मोबाइल गया बिल्कुल। देखिए देखिए, अभी तक दो मोबाइल गिर चुका है। पानी का टेस्ट कैसा लग रहा है? बहुत ही खारा, नमक की तरह, बहुत ज्यादा हार्ड पानी लग रहा है। नहाने से देह में किसी तरह का खुजलापन वगैरह भी अभी आ रहा है? मतलब खुजलापन हो सकता है, लेकिन वो नॉर्मल है, ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल। यहाँ से जो मेन सड़क होता है वो काफी 1 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस है, जो आपको इस तरह से बालू को पार करके आना पड़ेगा, और ये बहुत मुश्किल होता है चलने में। आप तो जानते ही हैं बालू पे चलना कितना कठिन होता है। आप जरा देखिएगा कि दूर दूर तक कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है, अनंत अनंत तक ये सिर्फ पानी ही पानी है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोगों का आवागमन बहुत तेजी से हो रहा है, दुकानें भी खुल रही है, माहौल भी बन रहा है। आप दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ नहाने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, पानी है बहुत ही तेज, सभी से ऊपर है यहाँ का आनंद। जो आनंद यहाँ पर आ रहा है उसकी तुलना आप नहीं कर सकते हैं। जब कभी भी आने का मौका मिले मरीना भी जरूर आइए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या सीन हो रहा है, मिथुन दा और यादव दा पोज दे रहे हैं, और ये विशाल भाई कैमरामैन। इस तरह कैमरा का क्रेज बहुत कम ही लोगों में होता है। साल जी मछली का रेट तय करते हुए हाँ, तो कैसा कौन सा मछली है बताइए थोड़ा। बताइए कैसा टेस्ट लग रहा है? लग रहा है, पैसा लगा है तो अच्छा लगने करेगा। अंकल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा खिलाता है, स्वादिष्ट। 40 रुपीज प्लेट।
इवनिंग का टाइम है, बहुत ज़्यादा मात्राओं में दर्शन आए हुए हैं। सनसेट व्यू एट मारीना बीच। फैमिली के साथ घूमने के लिए मरीना बीच जो कि आपको गोवा में नहीं मिलेगा, इसलिए एक बार फैमिली के साथ जरूर आए मरीना बीच और यहाँ का आनंद लोग उठाएं। यहाँ पर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है पुलिस के द्वारा और वहाँ पर बहुत बड़ा रेत का टीला भी है, क्योंकि इतना प्रोटेक्शन फोर्स नहीं है कि सिक्योरिटी सेफ्टी कर सके, इसके रीजन से उधर जाना अलाउ नहीं है। सनसेट व्यू पॉइंट, इधर मरीना बीच का खूबसूरत नज़ारा है और खूबसूरत सनसेट का व्यू। तो दोस्तों मरीना बीच पर हमको मिले हैं यूपी के फरीदाबाद से रहने वाले हुए। कैसा लगा आपको यहाँ पर आते हुए? बहुत अच्छा लगा, इस टाइम का मौसम तो बहुत अच्छा है, दिल कर रहा है कि गाड़ी बच जाओ। नहीं नहीं कूलिंग हो रहा है इस टाइम पे, टाइम हो रहा है, बहुत 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 अच्छा लग रहा है, कूलिंग हो रहा है। ओके बाय। दूर दूर तक ट्रेन ले रहे हैं। Let's go.